हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने ओल्ड साड़ी, ओल्ड दुपट्टा या ओल्ड फैब्रिक को कन्वर्ट करके बना सकते हैं ये ओल्ड शोल्डर कुर्ती, जो आप करारा लहंगा किसी पे भी वेयर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ओल्ड अपना फैब्रिक लिया है। सबसे पहले इसे मैं 4-4 में फोल्ड कर लूँगी इस तरह। उसके बाद अपना कोई भी कुर्ता प्लेस करके इसे मार्किंग कर लूँगी 1 इंच छोड़ के। तो यहाँ पे मैं साइड, शोल्डर्स, आर्म होल, ये सारी चीज़ें मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मार्क कर ली हूँ। और लेंथ मैं अपने कुर्ते का इतना ही रखूँगी, तो आप अपना जो कुर्ते का लेंथ है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। मार्क करने के बाद मैं सीजर की हेल्प से इसे सिंपली कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं फ्रंट साइड का नेक छोटा ही रखने वाली और बैक साइड का लंबा रखूँगी, ताकि हम इसे इजीली वेयर कर सकें और हमें चेन वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बैक साइड का हमारा लॉन्ग रहेगा तो हम आराम से वेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2-4 में फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद इंच टेप लेकर मैं 6 इंच लॉन्ग नेक कट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 6 इंच का लॉन्ग नेक कट करूँगी। उसके बाद सीजर की हेल्प से इसे सिंपली कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नेक कट कर लिया है। उसके बाद आपको दोनों शोल्डर्स जॉइन कर लेना है और नेक को डाल के हेम कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर और नेक हेम कर लिया है। ये करने के बाद मैं स्लीव्स भी ऐड करूँगी। तो स्लीव्स की कटिंग मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और इस पर एक डिटेल वीडियो है। आप चाहो तो अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। तो सबसे कोल्ड शोल्डर कट करने से पहले सबसे पहले हम स्लीव ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम अपना कोल्ड शोल्डर आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और स्लीव्स का बॉटम भी आपको हेम कर लेना है और दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ज्वाइन कर लिया, बॉटम भी हेम कर लिया। अब हम कोल्ड शोल्डर कटिंग करेंगे। कोल्ड शोल्डर कटिंग करने के लिए आपको इसे इस तरह वापस 4-4 में फोल्ड कर लेना। आप देख सकते हो इस तरह आराम से बराबर से फोल्ड करना है, ज़रा भी यहाँ वहाँ ना रहे, ताकि आपको दोनों कोल्ड शोल्डर एक जैसे कट सके। उसके बाद फोल्ड करने के बाद इंच टेप से मैं 3-3 इंच लूँगी, 3 इंच में लंबाई लूँगी या इस तरह। और जो ब्रेथ रहेगा, जो आमहुल का हिस्सा है, वहाँ पे भी मैं 3 इंच इस तरह मार्क कर लूँगी। उसके बाद मैं एक शेप दे दूँगी इस तरह सेमी सर्कल का, और उसी एरिया को आपको कट कर लेना है। तो आमहुल से होते हुए आपको जाना है और इस तरह से कट कर लेना है अपना कोल्ड शोल्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोल्ड शोल्डर मेरा ये कट हो चुका है। कट होने के बाद अब आपको उसके हेम कर लेना है। तो हेम करना आप सिंपली हेम कर सकते हो, या तो पे अगर आपको सिंपली नहीं आता है तो इस तरह आप पट्टी ले सकते हो आरेब में काट कर, और उसके तरह पहले उसे लगा ले, उसके बाद बैक साइड करके कर ले। अगर आप सिंपली इसे नहीं फोल्ड कर सकते हो तो आपको वो भी तरीका बहुत ही आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको 2-4 में फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड ज्वाइन कर लेनी है, जहाँ तक आपको कमर है वहाँ तक ज्वाइन कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कर लिया। उसके बाद जो नीचे का बॉटम का हिस्सा है उसे भी आपको सारे चारों बाजू को रो एजेस को आपको 1 इंच डाल के हेम कर लेना। यहाँ पे मैंने कर लिया है। उसके बाद अब हम लेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद सबसे पहले मैं बॉटम पे लेस ऐड करूँगी। तो इस तरह आप कोई भी चौड़ी लेस ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जो बॉटम ऊपर की तरफ है, तो कोल्ड शोल्डर से लेकर बीच से लेकर कोल्ड शोल्डर तक मैं इस तरह की लेस ऐड कर रही हूँ। ये फैब्रिक है ये मिरर वाला, उसी को मैंने कट करके अपने लेस की तरह मैंने ये ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद बीच में मैं कुछ गोल्डन कलर के स्पॉट्स भी लगाऊँगी इसे और प्रिटी बनाने के लिए। इसे आप कोई भी वेडिंग फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हो। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल कुर्ती, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।